चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस तरह की खबर आपको बताया चले कि बरेली जनपद से आ रही है। पावर कॉर्पोरेशन में पीएफ घोटाले होने के बाद विद्युत कर्मियों में पीएफ भुगतान न मिलने के बाद विद्युत कर्मचारी ने किया धरना प्रदर्शन। आइए पूरी तस्वीर में आपको नजरिया दिखाते हैं, अब पूरा इनका बयान सुनते हैं। पावर कॉर्पोरेशन में से पीएफ घोटाला होने के बाद में विद्युत कर्मियों का लिए पीएफ भुगतान न मिलने पर विद्युत कर्मचारियों ने किया धरना। बताते चले कि कर्मचारियों के लिए पीएफ में से 2200 के 68 करोड़ रुपए के लिए न मिलने पर बिजली कर्मचारियों ने सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और वह जिसमें से कई जरूरतमंद काम रुक गए हैं और जिसको लेकर कर्मचारी लंबे समय तक धरना पर बैठे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार गहरी नींद में सो रही है और बिजली कर्मचारियों के लिए समस्या पर वह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी अभिनेता रंजीत चौधरी सहित जिले के सभी जूनियर इंजीनियर धरने के साथ शामिल हैं। मैं रंजीत चौधरी हूँ, किस पोस्ट संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूँ जी। और हम लोगों की एक मेन मांग है जी, पीएफ जो हम लोगों का डीएचएफएल में लगा दिया गया था और वो डीएचएफएल कंपनी डूब गई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि सरकार गठित नोटिफिकेशन जारी करें, जो हमारा 2268 करोड़ रुपया पीएफ का डूबा है उसका उसकी गारंटी ले ले, ताकि गरीब मजदूर कामगार जो हमारे कुली से लेके मुख्य अभियंता तक हैं, इनके पैसों इनका पैसा सुरक्षित हो सके और इनके परिवार का जो इन्होंने घर बनवाना, शादी करना, ब्याह करना, सब लोग लेके बनवाते हैं उसी पीएफ से, वो दायित्व तो पूरा हो सके। और सरकार इतना देर क्यों कर रही है इसकी गारंटी लेने में 2268 करोड़ की, ये समस्या परे हो रहा है। इससे ही लग रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं इस मुद्दे पर, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। ये कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये 5 तारीख से लगातार चल रहा है, लेकिन तब से कोई अभी समस्या का समाधान नहीं किया गया अभी है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सरकार से यही अनुरोध है कि तत्काल 2268 करोड़ रुपये की गारंटी ले लें, क्योंकि पैसा अभी तत्काल नहीं चाहिए कि 2268 करोड़ ट्रांसफ़र कर दें अकाउंट में जी। ये जब जरूरत पड़ेगी तो उसका पैसा अपना धीरे धीरे देती रहे, जिसकी जैसे डिमांड मांग पर मांग जाएगा कि कोई ऐसा नहीं कि सरकार उठा के 2268 करोड़ का अकाउंट में क्रेडिट कर देना, उस पैसे को जो है जैसा समय की मांग होगी वैसा वो देती रहे। तो सर, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो ये जबल दिवालिया हो गई है, जिसको जल्दी से जल्दी उस लोग दिवालिया घोषित भी कर देंगे तो दिवालिया कंपनियों से कुछ मिलता नहीं है। और हमारा जो फंड हमारे फंड मैनेजरों ने लगाया था वो टोटली अनसेफ फंड में लगाया था, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। जबकि फंड कायदे के फंड मैनेजर हों, मार्केट से फंड मैनेजर हायर किए जाते हैं, वो होटल शायद ऐसी चीज़ नहीं होती। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो कि कहना भी उचित नहीं है। अब क्या घपले या घोटाले किए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। बस सिर्फ सरकार हमारा 2268 करोड़ रुपये का ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को